नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। संजय सिंह का राज्यसभा में नोटिस, कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग। संजय दत्त ने केजीएफ चैप्टर 2 की डबिंग पूरी की। राष्ट्रपति मानक से नवाजा जाएगा मिसाइल किलर्स स्क्वाड्रन। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के जहाजों को किया था निस्तब्ध। ओमिक्रॉन से संक्रमित बेंगलुरु का डॉक्टर, रिकवरी के बाद फिर हुआ कोरोना पॉजिटिव। मेरे पास अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 5 वादे हैं। हम बच्चों को मुफ्त शिक्षा, IAS, मेडिकल और IIT के लिए मुफ्त कोचिंग, कॉलेज के छात्रों के लिए मुफ्त विदेशी शिक्षा, मुफ्त मेड सेवा, 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रति माह देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा होशियारपुर में आप। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध के कारण सड़कों को अवरुद्ध करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई जनवरी तक स्थगित की। ओमिक्रॉन की वजह से फरवरी में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, रोज 1 से 1.5 लाख लोग संक्रमित होंगे, IIT के प्रोफेसर ने किया दावा। किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लेने का प्रस्ताव, आंदोलन को लेकर बुधवार को होगा फैसला, किसान नेता ने कहा। दिल्ली में किसान आंदोलन खत्म होने की संभावना, सिंधु बॉर्डर पर हलचल तेज। PM ग्राम सड़क योजना ने लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए, भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा। PM मोदी ने UP के गोरखपुर में 9600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की पहचान के लिए सरकार का सहयोग करेंगे, अधीर रंजन चौधरी ने कहा। सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बना दिया है, सारे एक्सपेरिमेंट्स यहां होते हैं, महबूबा मुफ्ती ने कहा। घोटाला करने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, मोदी ने कहा। सत्याग्रही शहीद किसानों के नाम पर मुआवजा ना देना बड़ी गलती, राहुल गांधी ने कहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,822 मामले, 220 की मौत। 15 साल करे वैक्सीनेशन की उम्र, स्वास्थ्य कर्मचारियों को दे बूस्टर डोज, ओमिक्रॉन के खतरे को देख आदित्य ठाकरे ने की केंद्र से मांग। उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा, तालिबान ने मानवाधिकारों पर एमनेस्टी डिग्री पर नजर रखने का जवाब दिया। 2004 के बाद शामिल हुए CAPF को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं, राज्य मंत्री राय ने कहा। इन्फेंट्री कमांडरों की बैठक के लिए मध्य प्रदेश के महू पहुंचे सेना प्रमुख। प्रयागराज में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में 2 और लोग गिरफ्तार। OBC आरक्षण पर सदन में की जानी चाहिए चर्चा, सुप्रिया सूले ने कहा। रेड कैंप UP के लिए रेड अलर्ट, आतंकवादियों को मुक्त कराने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं, PM मोदी ने कहा। लाल का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, लाल टोपी ही BJP को करेगी सत्ता से बाहर, PM के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। वित्त वर्ष 2020-21 में गैर सरकारी संगठनों से अपने संघों को विदेशी धन के हस्तांतरण में भारी गिरावट देखी गई, MOS होम ने कहा। राज्यसभा में बोले नागालैंड सांसद, AFSPA हटाया जाए, शांति वार्ता पर पड़ेगा असर। पद्मश्री नंदा किशोर पृष्टि के निधन के बाद PM मोदी ने शिक्षा में उनके योगदान को याद किया। संसद में नियमित रहे, नहीं तो हो सकता है बदलाव, PM मोदी ने BJP सांसदों से कहा। UP के विकास के लिए डबल इंजन वाली सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है, PM मोदी ने कहा। राजधानी में डेंगू के 8,900 मामले, 15 लोगों की मौत। भारत रूस ने अफगानिस्तान में भर्ती स्थिति पर चर्चा की, समावेशी सरकार के गठन सहित प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करना। सीमा सुरक्षा कर्तव्यों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए इसे सशक्त बनाने के उद्देश्य से BASF क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार, MOS राय ने कहा। कोरोना वैक्सीनेशन मामले में अब तक 128.66 करोड़ डोज लगी, 85% वयस्क आबादी को सिंगल डोज। शेयर बाजार में थमी गिरावट, सेंसेक्स 887 अंक की बढ़त के साथ बंद, निवेशकों की 3.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई। योगी सरकार का तोहफा, भीमराव अंबेडकर पर शोध कर रहे छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, क्षेत्र पंचायतों के बढ़ेंगे अधिकार। UP में सपा के बूथ अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, साथी के साथ बाइक से जा रहे थे। 6 दिसंबर बीत गया लेकिन मथुरा में अभी भी तनावपूर्ण है माहौल, 10 लोगों पर केस दर्ज, अलर्ट पर पुलिस। विकास के नए क्षितिज पर गोरखपुर, PM मोदी एम्स समेत 10,000 करोड़ की योजनाओं को देश को सौंपेंगे, CM योगी बोले, जो वादा किया था वो निभाया। नागालैंड को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सभी दलों सरकारों का कर्तव्य, शांति भंग करने वाले बयान नहीं देना है, सांसद अरविंद सावंत ने कहा। मणिपुर के मोरेह गांव में 500 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए, पुजारी फोन पर करता था अश्लील बातें, राज्य के 23 जिलों से 60 महिलाओं ने की शिकायत, रायबरेली से गिरफ्तार। आंग सान सू की सजा पर भारत परेशान, कहा गहरी चिंता का विषय। गोरखपुर खाद कारखाना 1990 से बंद था, भाजपा सरकार ने इसे फिर से शुरू किया, CM योगी आदित्यनाथ ने कहा।
विकी और कैटरीना की शादी का मेन्यू आया सामने, ट्रेडिशनल से लेकर होंगे एक्सोटिक डिशेस। ओमिक्रोन संक्रमित लोगों को दक्षिण अफ्रीका छोड़ने की अनुमति नहीं, दूतावास से मिली खबर। पीपीई किट्स के निर्यात पर पाबंदी लगाने के आरबीआई फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। दिल्ली में AQI 314, नोएडा में 317 और गुरुग्राम में 325। दिल्ली सरकार का कतर एयरलाइंस को नोटिस, गाइडलाइन पालन ना करने का आरोप। और आइए आप जानते हैं 8 दिसंबर का क्या है इतिहास। भारत की पारंपरिक जैव संपदा नीम, हल्दी और जामुन के बाद गौमूत्र को 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेटेंट दिया। पहले पनडुब्बी INS कतार में 1967 में सेना में शामिल किया गया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।